डिबेट शो देख रहे हैं आप। क्या 370 वापस आए? जो मौत एक बार कब्र में चला जाता है वो वापस नहीं है। ये मौत नहीं है, ये लिखी हुई किताब है, ये बुक है, ये रिकॉर्ड है, ये कोई गप नहीं है। तो ये कहीं फेंक दिया तो फेंक दिया। अगर मैं सबसे पहले इनसे ये सवाल करता हूँ कि दफ़ा 370 क्या है, इसका इस पे ये दफ़ा 370 है क्या? ये दफ़ा 370 शेख साहब उस टाइम जो रायशुमारी चला रहे थे, ये उन्होंने और हमारे पटेल जी ने उन्होंने बोला था हम 370 और 35A को जम्मू कश्मीर की पहचान देंगे, मगर उसका जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उल्टा फायदा उसका था। ये नहीं पर्सनल किसी ने, मैं बुलाऊंगा, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहे तो इसने फायदा उठाया। शबीर साहब आपकी बात काट रहा हूँ, हुकूमत उनकी चलती रही, वो टेम्परेरी था, ये कोई परमानेंट नहीं था। अगर परमानेंट होता टेम्परेरी चीज़ चलती है 2-4 दिन, 70-72 साल टेम्परेरी चीज़ थोड़ी। तो 70-72 साल के बाद टेम्परेरी हो गए ना आज, अगर परमानेंट होता ये जबकि मेजॉरिटी में गवर्नमेंट भी आई। मेरी गुजारिश सुने आप, डिबेट कौन करेगा? क्लियर सी बात है कि दफ़ा 370 जो है यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ की जो असम्बली है, जब तक दोबारा कोई भी हुकूमत बने, जब तक यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ बात सुनिए, अब तो यूटी है, यहाँ 370 कहाँ आएगा? टेम्परेरी नहीं था, टेम्परेरी नहीं था, मुझे पता है, आज तक कोई तोड़ नहीं सकता इसको, ना यूटी वाले सेंटर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर क्यों इस पे डील कर, नेशनल कॉन्फ्रेंस इस पे धरना क्यों नहीं दिया? मेरी आप गुजारिश सुने, दफा 370 जो है वो टेम्परेरी नहीं था, मेरी बात सुने, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 शख्स हैं, ये सियासी में अव्वल नंबर पर हैं, आप 4, तभी आपको हमने बुलाया। आप मुझे बताएं आपने मोहर के लिए कौन सी आवाज़ उठाई? 370 पर आपने बहुत बेस कर ली, मैं जानता हूँ, मोहर के ऊपर क्यों नहीं आवाज़ उठाई? तो क्या किस बात की आप राजनीति कर रहे हैं? हाँ। आज तक नहीं दिखे आप दिखे आज तक लोगों की आवाज़ करते नहीं ना दिखे आप? हम देखते हैं हमारी लोगों के सामने हर वक्त होती है, हम तो महीने में कंटिन्यू होते। आप हमारा रिकॉर्ड देखिए, 2005 से आप मेरा रिकॉर्ड देखिए, हम ही जो जीतते हैं ना, जिनको हम जिताते हैं, जिनको मोदी साहब, एक मिनट, जिन लोगों को हम जिताते हैं उनका तो नाम ही नहीं, वो बात नहीं करते हैं, कभी भी गलत हो जाए कभी बात नहीं करेंगे, कभी अच्छा हो जाए कभी बात नहीं करेंगे। एनसी के बंदे, सुनिए, मैं बेशक एनसी का हूँ, एनसी का था, एनसी का रहूंगा, वो बात नहीं है। मेरे कहने का मतलब जो है, सुनो, एनसी तो खत्म हो रही है, सुनो खत्म हो रही है, एनसी कोई खत्म नहीं है, एनसी खत्म हो रही है, देखिए जेएनके में एनसी की इंशाल्लाह हुकूमत आएगी, फिर दोबारा से आएगी, वो बात नहीं। हाँ, रहा सवाल यहाँ का नुमाइंदा यहाँ के लिए काम नहीं करे, सुने मोहर के लोग सियासत में नंबर 1 है मगर डेवलपमेंट 0 है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल, क्या मैं सही बोल, 0 है, 0 से 0 है, बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं।